नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज से हम टेंथ क्लास एनसीईआरटी टेंथ क्लास बताने वाले हैं। पहले तो हम प्रेमिका प्रमेय जितनी है मैथ की सारी सॉल्व करके बताएंगे। आज ये फर्स्ट चैप्टर में है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जो कि पहले और दूसरे पार्ट दोनों में कॉमन है और इसके अधिकांश सवाल हैं इसी प्रेमिका से सॉल्व होंगे। तो हम देखते हैं क्या है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। बहुत ही सरल है, हम बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यहाँ पर लिख ली है। देखो, ये लिखा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो हमारा आर बड़ा होगा या तो बराबर होगा जीरो से, और जो बी है बी बड़ा होगा आर से। हम देख लेते हैं ये क्या। वैसे ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में अगर आपने इतना भी लिख लिया और ये नहीं लिखा तो आपका नंबर कट सकता है। यही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम देखते हैं ये क्या है, गुत्थी को हमको सॉल्व करना है। तो हम चलिए करते हैं। पहले हम देखते हैं ये यहाँ पर क्या है, भाज्य। ठीक है, तो हम ये लिखते थे भाज्य, बी भाजक भाजक, और क्यू भागफल भागफल, और आर यहाँ पर ये शेषफल है। ठीक है, तो ये हमने ये यहाँ पर लिख लिया। अब हम उदाहरण उदाहरण के लिए लेते हैं इसको, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, उदाहरण लेते हैं जी, जैसे कि 15 का हम भाग 2 से देते हैं, 2 से देंगे 2 × 7 = 14, तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, भाजक। ये नहीं, ये हमारा भाज्य, ये हमारा भाजक, और ये भागफल। ठीक है, और ये हमारा शेषफल। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, ये हमारा शीर्ष पर जो कि हमने लिख लिया। अब वहाँ पर देखते हैं ये क्या लिखा है। देख, 0 बराबर बराबर ये आर है। ठीक है, ये हमने पहले यहाँ पर ये लिख लिया। अब इसको हम समझते हैं क्या है। देखो, ये हमारा आर यानी जो शीर्षफल है, शीर्षफल या तो बड़ा होगा या बराबर होगा जीरो से, बड़ा होगा या बराबर होगा जीरो से। तो यहाँ पर हमारा जी हमने भाग दिया था तो एक आ रहा हमारा, तो यही यहाँ पर लिखा है। ये तो या तो यहाँ पर ये जीरो होगा या पर एक होगा या बड़ा होगा, कुछ भी हो, लेकिन ये माइनस में संख्या नहीं होगी, माइनस में नहीं होगा, प्लस में ही रहेगी संख्या। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे क्या है, बी। बी हमारा यहाँ पर क्या है, भाजक। तो ये भाजक, बी हमारा भाजक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये हमारा जो बी है वो भाजक है, तो ये भाजक आर यानी शेषफल से बड़ा होगा। यहाँ पर हमारा शेषफल क्या है, 1, और भाजक 2 है। तो यही बिल्कुल यहाँ पर जो ये बिल्कुल ये गुत्थी सुलझ गई, यही यहाँ पर है। आपको अच्छी वीडियो पसंद लगी होगी, अगर नहीं लगी होगी तो भी कोई बात नहीं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो जल्द से जल्द मिल सकें। धन्यवाद।